आप अब ब्राह्मणों को खाना खिला करके अपने पिता से करीब तो जाना चाहते हैं, मगर आपके पिता बाप से बहुत दूर चले गए। जब वो आपके करीब आना चाहते थे तब आप उनसे दूर भागते गए। जब आप छोटे थे तो आप अपने पिता से गले मिला करते थे। जब आपकी उम्र 19, 20, 21, 25, 28 हो गई, आप अपने पिता से कितनी बार गले मिले बताइए जरा। आपका संबंध निरंतर बिगड़ता ही गया। बालक को अपने पिता तभी तक सर्वश्रेष्ठ लगते हैं जब तक कि वो स्कूल की छोटी क्लासेस में। बालक को अपने पिता तभी तक सर्वश्रेष्ठ लगते हैं जब तक कि वो स्कूल की छोटी क्लासेस में पढ़ता है। जैसे जैसे उसकी क्लासेस बड़ी होती जाती है, वो स्कूल पार करके कॉलेज में पहुंचता है, पिता का और बालक का मानसिक रूप से फासला बढ़ता चला जाता है, क्योंकि बालक के जीवन में और भी बहुत सारे लोग आने लगते हैं और बालक अपने जीवन का एक बड़ा भाग उन लोगों के साथ व्यतीत करने लगता है। और जो बालक जब छोटा था तब वो ये कहा करता था कि मेरे पिताजी विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ पिताजी हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उसकी उम्र 18 से 19, 20 साल पे पहुंचती है, उसे ये लगता है कि मेरे पिताजी मुझे समझते ही नहीं है, मेरे पिताजी एक अच्छे पिताजी नहीं है, और हमेशा वो पिता से दूर भागना चाहता है। नौकरी के जरिए दूर भाग जाएगा, दूसरे राज्य में चला जाएगा, दूसरे देश में चला जाएगा। जब ऐसा समय आता है तो उसके पिता की धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगती है और उसके पिता गुजर जाते हैं। फिर बालक डरने लगता है कि ये पिता जो अब गुजर गए हैं, ये मेरे जीवन में अमंगल ना ले आए, पितृदोष ना लगा दे। इसीलिए बालक जो है ब्राह्मणों को खाना खिलाता है। ब्राह्मणों को खाना खिला करके अपने पिता से करीब तो जाना चाहते हैं, मगर आपके पिता बाप से बहुत दूर चले गए। जब वो आपके करीब आना चाहते थे तब आप उनसे दूर भागते गए, तो इसे बोलते हैं पितृदोष। मगर निश्चिंत रहिए, एक पिता अपने बेटे का कभी बुरा चाहेगा ही नहीं, एक माँ अपने बेटे का कभी बुरा चाहेगी ही नहीं। इसलिए आपके माता पिता अगर जिंदा हैं तो अपने जीवन का एक बड़ा भाग आप उनके साथ व्यतीत करना शुरू कर दीजिए।